बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारे जो दशानंद थे, भारत माता की जय, तो यहाँ से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि बताइए भारत माता की जय करते करते थक जाते हो, कभी भारत बाबा की जय कब करोगे? भारत के बाबा के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हो? भारत माता की जय करते हो, भारत के बाबा की जय कब करोगे? जो हमारे बाबा थे दशानंद थे, उनके सम्मान में और जिसने दशानंद को स्थापित किया फिर से भारत की धरती पर, हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में हम नारा लगाएंगे। आपको दोनों हाथ उठाकर भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। एक 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 बात और करनी है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं ये जगराता बहुत की होंगे, है कि नहीं? तो मैं नारा लगाऊंगा, आपको मेरे साथ बोलना है ताकि धारा बदले। प्रेम से बोलो, आप कहेंगे जय बाबा। क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो, जय बाबा। मिलके बोलो, जय बाबा। सारे बोलो, जय बाबा की। अरे वाह, जोर से बोलो, जय बाबा की। अरे संडीला बोले, जय बाबा की। हरदोई बोले, जय बाबा की। भारत बोले, जय बाबा की। अरे इधर से बोलो, जय बाबा की। अरे उधर से बोलो, जय बाबा की। पीछे से बोलो, जय बाबा की। अरे आगे वाले, जय बाबा की। जय बाबा की। भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। विश्व विजयी, धम्म विजयी, इस धरती के महान राजा सम्राट अशोक को नमन करते हैं, साथ ही जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जवान, तोषित पीड़ित मानवता को ज्ञान, नारी को सम्मान, देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, माँ कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान, भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान देने के साथ ही साथ बुराए छिपाए गए मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया, ऐसे महामानव जिनकी मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में मैं नमो बुद्धाय करता हूं। साथ ही धरती पर जन्मे जितने भी ज्ञात अज्ञात मानववादी अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को, धर्म ध्वज पंचशील को और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करने के साथ ही साथ आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के इस महान अवसर पर और सम्राट अशोक लाट की इस स्थापना शिलान्यास के इस अवसर पर यहाँ कार्यक्रम में आए यहाँ पधारे जितने भी अतिथि हैं, नाम लूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, जितने भी अतिथि हैं, मुख्य अतिथि माननीय हमारे बड़े भाई सर्वेश अंबेडकर जी, हमारे बड़े भाई यादव शक्ति पत्रिका के प्रधान संपादक माननीय चंद्रभूषण यादव जी, सामाजिक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता बहन शिल्पी चौधरी जी, हमारे भिक्षुगण और अध्यक्षता कर रहे महान शख्सियत जिनके कार्यों से मैं आज अभिभूत हूँ, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन माननीय रईस अंसारी साहब, मुख्य वक्ता माननीय धीरेन्द्र साक्षी और हमारे सभी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत की धरती पर केवल एक ही समय ऐसा आया जब यहाँ पर समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का बोलबाला था, भारत के इतिहास में, और वह युग था मौर्य युग, बौद्धों का युग, यानी दशानन का युग। और सही शब्दों में कहें कि दशानन का जो युग था वो वही युग था जिस समय भारत में असली तौर से समता, समानता,
भातृत्व भावना की भावना भरपूर थी। साथियों, आज हम नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी महानता पर हम बहुत अभिभूत हैं। दशानंद जो 10 सिर वाले थे, 10 सिर वाले मतलब पहला सिर किसका था? नंबर एक चंद्रगुप्त मौर्य का, नंबर दो सर बिंदुसार का, नंबर तीसरा सर था सम्राट अशोक का, नंबर चौथा सर था सम्राट कुरान का और नंबर पांचवा सम्राट दशरथ का, अर्थात संप्रति सम्राट शालीसुत और सम्राट देववर्मा, सम्राट सतधनवा और दसवां जो दशानन आखिरी राजा थे सम्राट कृष्ण। यानी जो तीसरा सर था सम्राट अशोक का, ये पूरे भारत की धरती पर समता समानता और भाईचारे का बोलबाला था। पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास को पढ़ा, समझा, देखा, तो जब उनको मौका मिला भारत का संविधान बनाने का, तो उन्होंने सम्राट अशोक के भारत को भारत के संविधान में पिरो दिया। सम्राट अशोक के विचार को भारत के संविधान में पिरो दिया और हमारा भारत का चिन्ह है, जो भारत की पहचान है, सम्राट अशोक के लाट को भारतीय संविधान के माध्यम से पुख्ता कर दिया, परमानेंट कर दिया। ऐसे सम्राट अशोक के शिलालेख, ये सम्राट अशोक का जो वो प्रतीक चिन्ह है उसकी स्थापना दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूर्ति अनावरण दिवस है, इस अवसर पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। भारत की धरती पर मूर्ति का अनावरण सदियों से होता आ रहा है। यहाँ भारत में लाखों मंदिर हैं, लाखों मंदिरों में तमाम तरह की भांति भांति की देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और आज भी बराबर मूर्तियां स्थापित हो रही है। वही दूसरी तरफ भारत के जो जागरूक लोग हैं, इनके घरों में, इनके पार्कों में, इनके खेत खलिहानों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी मूर्तियां स्थापित की जा रही जोर शोर। मानववादी संतों गुरुओं महापुरुषों की भी मूर्तियां स्थापित हो रही है बड़े जोर शोर से। एक तरफ उनके घरों में मूर्तियां स्थापित हो रही है तो एक तरफ हमारे घरों में भी, चाहे मूर्ति हो चाहे चित्र हो, फोटो के रूप में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत गाडगे, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई फुले, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, जगदेव बाबू, मानवर कांसी राम, पेरियल ललित सिंह यादव, अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, इन तमाम हमारे देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित होगी। अब जिसके घर में मूर्ति होगी जैसी, उसको भी उसको प्रेरणा मिलेगी वैसी। एक तरफ राम राज्य की स्थापना के लिए मूर्तियां स्थापित हो रही है तो दूसरी तरफ समतावादी राज्य की स्थापना के लिए मूर्तियां स्थापित हो। एक तरफ कहा जाता है कि राम काज कीजे बिन मोहि कहां विश्राम, तो दूसरी तरफ अशोका राज्य लाए बिनु हम न करेंगे आराम। एक तरफ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और जुल्म जाति की धारा चल रही है तो दूसरी तरफ समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित धारा चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। और इन्हीं दो धाराओं के बीच जो संघर्ष हुआ है, इन्हीं दो धाराओं के बीच जो संघर्ष चला है, जो टकराव चला है, इन्हीं दो धाराओं के बीच सदियों से जो टकराव चला है, यही हमारे भारतीय इतिहास है। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, ये कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं दो धाराओं के बीच। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं तमाम, ये कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं दो धाराओं के बीच संघर्ष और टकराव की कहानी मात्र है। ये धार्मिक ग्रंथ कहानी संग्रह है, इसलिए आपको जो दो धाराएं हैं कभी
एक धारा कभी विप्रो की थी तो दूसरी धारा चार्वाकों की रही है, एक धारा मनु की थी तो दूसरी धारा भगवान बुद्ध की थी, एक धारा राम की रही तो दूसरी धारा संभोग की चली, एक धारा द्रोणाचार्य की थी तो दूसरी धारा एकलव्य की थी, एक धारा समर्पण आसन परंपरा की रही तो दूसरी धारा समर परंपरा की रही, एक धारा जटाधारियों की रही तो दूसरी धारा बौद्ध भिक्षुओं की रही, एक धारा पुष्यमित्र सुंग की थी तो दूसरी धारा विदत्त मौर्य की थी, एक धारा रावण का पुतला दहन करने वालों की थी, दशानंद का पुतला दहन करने वालों की थी, तो दूसरी धारा अशोक दम्भ विजय दिवस मनाने वालों की है। ये दो धाराएं चली है, एक धारा के साथ हो जाइए कंफ्यूज मत रहिए, या तो इधर हो जाइए या तो उधर हो जाइए, जो बीच में जो कंफ्यूज होता है वही अंत में डिफ्यूज होता है। मेरे पिताजी अक्सर जब भाषण देते थे तो कहा करते थे कि रास्ते में जब हम लोग चलते हैं गाड़ी चलती है तो बीच में जब कोई कुत्ता आता है, क्योंकि रास्ते पर कुत्ते ही ज्यादा मरते हैं, क्योंकि कुत्ते ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जब वो रास्ते में चलते हैं और कुत्ता अगर कंफ्यूज रहता है, जब वो कंफर्म नहीं कर पाता, डिसाइड नहीं कर पाता किधर जाए किधर जाए, इधर चल जाए किधर चल जाए, और मेरे पिताजी कहते हैं तब तक तो मेरी गाड़ी आती है, जो कंफ्यूज था वही डिफ्यूज हो जाता है, वो है कि नहीं, वो कहता है ना ना अब इधर में जाना है ना उधर जाना है, जहां तुम्हें जाना था वही चल गए। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक धारा मानववाद की धारा चुन लीजिए। मेरे पिता आदरणीय पारसनाथ मौर्य पूर्व अध्यक्ष राज पिछड़ा वर्ग आयोग, शायद आप सभी लोग जानते हैं, तो वो उन्होंने एक धारा चुन ली थी आज से 60 वर्ष पहले, एक धारा चुन लिया था और उन्हें इस बात को बहुत ठेस पहुंची थी कि हमारे दशानन का जो ये पुतला है ये क्यों दहन किया जाता है। जब उन्होंने इतिहास को समझ लिया, इतिहास को जान लिया, तो उन्हें इस बात का बड़ा ठेस लगा था। उस समय जमाना बहुत कठिन था, बड़ा कठोर था, लेकिन उस समय उस सच्चाई को जान गए कि हमारे दशानन का ये जो पुतला दहन होता है इससे मुझे बहुत ठेस लगती है। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, और इतिहास में दर्ज है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी दर्ज है कि अक्टूबर 8 के दिन 14 अक्टूबर 1969 यानी आज से 52 वर्ष उन्होंने आंदोलन कर दिया जौनपुर की धरती पर कि हम दशानन का पुतला दहन नहीं करने देंगे। उन्होंने अपने तमाम साथियों को तैयार किया, तब तो कितना मुश्किल था लोगों को तैयार करना उस जमाने में, यानी कोई यहाँ पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद उस जमाने में, कितना मुश्किल था। उन्होंने तैयार किया अपने साथियों को, उन्होंने इतिहास बताया कि दशानन कौन है, अरे पहचानो ये दशानन कौन है, ये कौन है। जब उन्होंने कैडर दे दिया, समझा दिया, बहुत वक्त लगा था, समझा दिया बता दिया, तो कुछ साथी तैयार हो गए कि माननीय मौर्या जी हम आपके साथ हैं, हम दशानन का पुतला दहन नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ 1969 में जौनपुर में स्टेशन से उनका कारवा चला, आंदोलन चला, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने रैली निकाली अपने साथियों के साथ, रैली निकाली शांतिपूर्ण ढंग से, नारा लगाते हुए चल रहे थे, महामानव रावण की जय, समतावादी रावण की जय, वैज्ञानिक रावण की जय, जो रावण को जलाएगा वह खुद ही जल जाएगा, भीमसेना जिंदाबाद। उस समय उन्होंने भीमसेना बनाई हुई कि महामानव रावण की जय, वहां की लोग हत्तक थे, ये क्या हो रहा है भाई, महामानव रावण की जय हो रही, सामने कोतवाल था, उन्होंने रोका वहां कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पिता ने कोतवाल को समझाया कि मुझे ठेस लगती है, भारतीय संविधान के तहत मुझे अधिकार मिला है, मुझे ठेस लगती है कि दशानन का पुतला दहन हो रहा है, मुझे इस बात का ठेस लगता है। उन्होंने पूरा सबूतों के साथ तर्क के साथ समझाया, कोतवाल समझ गया, उसने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर आपको ठेस लगती है तो मेरा भी मानना है कि दशानन का पुतला दहन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां के जो दूसरी धारा के लोग थे,
कि दूसरी धारा के लोग थे, उन्होंने कोतवाल पर दबाव बनाया कि ये गलत हो रहा है। कोतवाल तो नौकर होता है, कोतवाल तो विधायक सांसद सरकार का नौकर होता है। कोतवाल ने शांति भंग करने के आरोप में शहर में कहीं अशांति न पैदा हो जाए, इस आरोप में मेरे पिता को साथियों सहित गिरफ्तार कर, वो गिरफ्तार हो गए। 13 अक्टूबर 1969 को गिरफ्तार कर लिए गए और 13 नवंबर 1969 को जमानत पर रिहा किया गया। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। और जब गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में चले गए, तो आदमी कहां मानने वाला है अपनी बात से। जेल में भी उन्होंने शुरू कर दिया, जेल में कीर्तन शुरू होने लगा, जेल में कीर्तन शुरू हो रहा था साथियों सहित कि जय 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 रावण जय अहि रावण, जय जय कुंभकर्ण सद्भावन, जय जय मंदोदरी पति पावन, जय जय विघ्न विनाशक रावण, रावण मन बस एक विचारा, अपना आप ही बनो सहारा। रावण की अति सुंदर नीति, मानो मानो में बहु प्रीति। ये कीर्तन चला स्थल सुने कीर्तन हुआ। अब कोई रावण को दशानंद की इतिहास को न समझ सके तो क्या बात। तो मुझे बड़ा फक्र है, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कैसे पिता की संतान हूं जिन्होंने आज वृद्धावस्था में भी अपने वसूल से, अपने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। आज उनका शरीर वृद्ध हो गया है, लेकिन मन से आज भी वो अपने दशानंद के प्रति श्रद्धा भाव है। साथियों, भव्य मंदिर बनना रही साहब, सुन लीजिए, भव्य मंदिर बन रहा है, वहां भी मूर्ति का अनावरण होगा कि नहीं होगा। वहां भी मूर्ति का अनावरण होगा और वहां जो मूर्ति बनेगी, आपने तो अपनी क्षमता अनुसार बाबा साहब को सम्मान दिया, चाहे आपने सीमेंट बालू का पत्थर का बनाया, हो सकता उस धारा वालों की मूर्ति सोने की बने, हो सकता है उनकी मूर्ति हीरे जवाहरात की बने, लेकिन वो जब मूर्ति बन जाएगी तो बिना उसमें प्राण की प्रतिष्ठा वो मूर्ति सफल नहीं होगी। उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा होगी भाई। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और उस भव्य मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होगी उसमें प्राण की प्रतिष्ठा स्थापित हो, और जब प्राण की प्रतिष्ठा स्थापित होगी तो जाहिर है कि प्रभु में प्राण आ जाएगा, और जब प्रभु में प्राण आ जाएगा तो फिर राम राज्य आ जाएगा, और जो राम राज्य आ जाएगा, प्रभु में प्राण आ जाएगा, तो यह भी संभव है कि कभी प्रभु टहलते हुए संडीला आ जाए, कभी प्रभु कभी टहलते हुए संडीला आ जाए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां रही साल ने बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा कर दिया है। नहीं, गलत बात है, कोई मूर्ति किसी की रक्षा थोड़ी करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी करने से हमारी रक्षा थोड़ी हो पाएगी। मूर्ति कभी किसी की रक्षा नहीं करती, सुन लो भाई, मूर्तियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। मूर्ति से जो प्रेरणा मिलती है वही आपका रक्षा करेगी। रई साहब ने मूर्ति की स्थापना कराई है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन रई साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं कराई। रई साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा न करा करके आपके प्राणों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा को स्थापित कराने का काम किया। आपके प्राणों में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को स्थापित कराने का काम किया है। आपके प्राणों में दशानंद की प्रतिष्ठा को स्थापित कराने का काम किया। इसलिए रई साहब, आपका काम बहुत महान है, और जब आपके प्राणों में प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, जिस दिन आप बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को अपने प्राणों में समाहित कर लेंगे, जिस दिन आप दशानंद के इतिहास को जान जाएंगे, तो मेरा दावा है, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा आपके प्राणों में स्थापित हो जाएगी, मेरे समाज में जन्मा कोई भी संभोग, उस संभोग का कोई माइकलाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हमारे समाज के संभोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु में प्राण आ जाए, आने दीजिए,
प्रभु का भव्य मंदिर बने, बनने दीजिए, चाहे कुछ उस धारा के लोगों का क्या करना है हमसे नहीं मतलब है। इस धारा के लोगों के प्राणों में अगर प्रतिष्ठा जाग गई बाबा साहब अम्बेडकर की, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सबका मुकाबला कर लेंगे। और ये संडीला की धरती पर ये माननीय मोहम्मद रईस साहब ने ये हौसला दिया है, इसलिए रईस साहब को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, रईस साहब को हम बहुत बधाई देते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा क्या है? बाबा साहब की प्रतिष्ठा आपके प्राणों में स्थापित, तो क्या है उनकी प्रतिष्ठा बाबा साहब की, और क्या है संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर का? मैं कभी अम्बेडकर टुडे नाम की पत्रिका निकाला करता था, तो जो लोग यहां अम्बेडकर टुडे पत्रिका को कभी पहले कभी पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा अम्बेडकर टुडे पत्रिका के हर पृष्ठ पर एक, हर इशू में, हर अंक में एक पृष्ठ पर छपा रहता था बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष का निचोड़, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं। ये हर बार हर अंक में एक पृष्ठ पर ये जरूर छपा रहता था। 22 प्रतिज्ञाएं क्या है ये तो आप लोग अपने घरों में डिटेल में पढ़िएगा। बाबा साहब अम्बेडकर दलित शोषित पिछड़े समाज के संरक्षक की हैसियत से हम सबको निर्देश दिया था अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के तहत हम सबको निर्देश दिया था, आदेशित किया था कि हमारा भला, इस देश का भला, समाज का भला भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके ही होगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला भारत का संविधान बनाने का, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके आदर्शों पर हम भारतीयों को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित सर्वोच्च संविधान दे करके, सर्वोच्च संविधान दे दिया। साथियों, सम्राट, हमारा ये कहने का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, देखा, समझा कि जिस भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर, जिस भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और आदर्शों पर चलकर के सम्राट अशोक दुनिया के महान राजा हो सकते हैं, अशोका द ग्रेट हो गए, उसी भगवान बुद्ध के शिक्षाओं और आदर्शों पर अगर हम भारत का संविधान की रचना करते हैं तो भारतीय संविधान भी ग्रेट होगा, भारतीय संविधान भी महान हो जाएगा। साथियों, भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध के समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित शिक्षाओं पर चलकर के सम्राट अशोक महान हो गए, अशोका द ग्रेट हो गए। वही दूसरी तरफ मोहम्मद साहब के शिक्षाओं और आदर्शों पर, इंसानियत, इंसाफ और मसावात के रास्ते पर चल करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महान हो गए, अकबर द ग्रेट हो गए। भारत के इतिहास में दो ही सम्राट ग्रेट हुए, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। मेरा कहने का मतलब यह है कि तीसरा कोई रास्ता ग्रेट का है ही नहीं, तीसरा किसी रास्ते पर चल करके आप ग्रेट नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन, संयोग से आज ही का दिन है, 14 अक्टूबर 1956 को हम सबको भगवान बुद्ध के रास्ते पर लेकर के चले, 14 अक्टूबर 1956 को हम सबको निर्देश दे दिया था कि आपका भला, हमारा भला, समाज का भला अगर है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके है, यानी अगर भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके आप खुद भी ग्रेट हो सकते हो, अपने समाज को भी ग्रेट बना सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्देशित किया था 14 अक्टूबर 1956। और साथियों, 2 मिनट रही साहब और ले लेते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म महान है, मानवता का धम्म है, पूरी दुनिया में अगर भारत की पहचान है, पूरी दुनिया में अगर भारत की शान है तो भगवान बुद्ध के कारण है। और अभी हाई कोर्ट में किसी जज ने कहा कि फलाने का नाम लेकर के कहा कि उनकी वजह से है, हाई कोर्ट के जज को
जस को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब भारत की धरती पर आता है कि यहाँ का कोई प्रधानमंत्री हो, यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसका स्वागत भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर के करता है। या यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री, एक स्लाइड जब सभी का है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो या यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का है, जब दुनिया के किसी देश में जाता है तो यहाँ भले अपनी जाति और अपने धर्म के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा बनाता फिरता हो, विदेशों की धरती पर जाकर के वो तो भगवान बुद्ध की मूर्ति के आड़ में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए साथियों, एक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पवन पुत्र हनुमान, बलवीर महावीर पवन पुत्र हनुमान के परम भक्त हैं। पवन पुत्र हनुमान के जो परम भक्त हैं और अपने मुख्यमंत्री के टेबल पर पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति को रख करके अपना रामराज चलाते हैं। लेकिन पिछले 17 नवंबर 2018 या 19 को दुनिया का एक बहुत महान धनी व्यक्ति बिल गेट्स लखनऊ की धरती पर आया था। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जब उसका स्वागत करना हुआ बिल गेट्स का, तो अपने बलवीर महावीर पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति को किनारे करके भगवान बुद्ध की मूर्ति को लेकर के स्वागत किया। ये भगवान बुद्ध की ताकत है, भगवान बुद्ध की सच्चाई। यहाँ इसे कहावत है कि ऊंट जब तक पहाड़ नहीं देखता तब तक बहुत बलबलाता है, और जब जब कोई देख लेता है ऊंचे सिंहासन पर चढ़ करके तब वो समझता है कि हमारा भला, देश का भला कहाँ से होगा। चलिए साथी, इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम अपनी बात का विराम देंगे, लेकिन उसके पहले एक जयकारा मुझे आप सबसे करवाना है। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है, हमारे जो दशानन थे, भारत माता की जय, तो यहाँ से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन उसे पूछना चाहिए कि बताइए भारत माता की जय करते करते थक जाते हो, कभी भारत बाबा की जय कब करोगे? भारत के बाबा के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हो? भारत माता की जय करते हो, भारत के बाबा की जय कब करोगे? जो हमारे बाबा थे, दशानंद थे, उनके सम्मान में और जिसने दशानंद को स्थापित किया फिर से भारत की धरती पर, हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में हम नारा लगाएंगे। आपको दोनों हाथ उठा कर भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। एक 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 बात और करनी है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं, ये जगराता बहुत की होंगे, है कि नहीं? तो मैं नारा लगाऊंगा, आपको मेरे साथ बोलना है ताकि धारा बदले। प्रेम से बोलो, आप कहेंगे जय बाबा। क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो, जय बाबा। मिलके बोलो, जय बाबा। अरे सारे बोलो, जय बाबा की। अरे वाह, जोर से बोलो, जय बाबा की। अरे